उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है तथा आने वाले कुछ ही दिनों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उससे पूर्व लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। मथुरा के यमुना पार स्थित लक्ष्मी नगर में लोगों ने बातचीत में जहां वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली को सही बताया, तो वहीं कुछ लोग नाखुश भी नजर आए। उनका कहना था कि महंगाई पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस समय मौजूद हैं यमुना पार के लक्ष्मी नगर में। यहाँ के स्थान निवासियों से हम जानते हैं कि 2022 का चुनाव आने वाला है, पिछले 5 साल गुजर चुके हैं, इनके क्षेत्र का विकास कितना हुआ इसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे और सभी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे विकास कार्य हुए, क्या नहीं हुए, कौन सी कमी यहाँ पर रह गई विकास को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है लेकिन अब समाप्त हो चुका है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिरोही। सिरोही साहब, यहाँ पर 5 साल पूरे बीत चुके हैं सरकार को, अब जाने वाले चुनाव आने वाले हैं, कितना विकास कार्य हुआ? हाँ, विकास तो है, विकास तो हुआ है। हाँ, विकास से खुश भी हैं, हम योगी जी से भी खुश हैं। हाँ, दोबारा से विकास से आप खुश हैं या फिर? हाँ, हाँ, अच्छा, नई सरकार यदि आती है तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, नई सरकार यही आनी चाहिए, यही सरकार आए, हमें तो ये बीजेपी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि हम वर्तमान सरकार के कार्यों से काफी खुश हैं और उसको लेकर के बात करें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। 5 सालों में कितना विकास आपके क्षेत्र का हुआ? विकास तो 5 साल में थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। हाँ। बाकी पहले भी सरकार आई है तो विकास तो ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले भी चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है। 2022 को लेकर के क्या आप लोगों का मानना है, किस तरह की सरकार चाहिए, क्या नए काम होने चाहिए? हमें तो भगवा सरकार चाहिए। विकास कार्यों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस साल नहीं हुए अगली बार हो? हाँ, उम्मीद करते हैं सरकार से कि अगली साल मतलब अगले 5 सालों में अच्छे विकास होगा। आपका क्या नाम है? क्या क्या? अरुण रावत, पूर्व प्रधान लोवन जी। जी, क्या रहा पूरे 5 साल में विकास कार्यों की बात करें? विकास कार्य तो जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, विकास कार्य तो उसी स्पीड से चल रहा है, पर थोड़ा सा हिंदुत्व का और वैसा मामला फंस रहा है, तो भगवाई हम चाहेंगे कि भगवाई आनी चाहिए और भगवाई विकास करवाएगी। राम मंदिर बनवाया ही है जो 350-350 साल से अटका हुआ था, वो बन रहा है, तो इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? हिंदुओं का विकास तो केवल यही है कि हमारी जो भगवान है उनका प्रचार होना चाहिए। सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा को लेकर के क्या योजनाएं होनी चाहिए जो पूरी हुई या आगामी और होनी चाहिए? पहले भी कुछ नहीं हुआ, इस बार पहले से बेटर है, तो जो अब चल रहा है वो धीरे धीरे और विकास होगा। योगी जी की सरकार है और योगी जी हमारे गुरु गोरखनाथ के महंत हैं और हम तो प्योर हिंदूवादी आदमी हैं, तो प्योर हिंदूवादी हैं, तो इसलिए प्योर हिंदूवादी का ही हमारा हमेशा झंडा रहेगा। ठीक है, अगली बार चलते सब बताते हैं कि हम विकास कार्य को लेकर काफी संतुष्ट हैं। आप बताएं क्या नाम है? हरिश्चंद चतुर्वेदी जी। क्या आपके मन में क्या चीज का विकास 5 साल में हुआ? वही काम ना भाई, सब लूट खसूट चल रही है, सब जगह चक्क। हाँ। और लाइट में तो इतनी हालत खराब कर रहा है, 3-4 गुने पैसा बढ़ा दिए बिल में। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से महंगाई कितनी महंगाई है, पब्लिक मरी जा रही है, अपने तो विकास बता रहे हैं, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है। पड़ोसी कह रहे हैं कि विकास बहुत ज्यादा हुआ आपके। अब जो कहने बात वो उनकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा। और क्या कहना चाहेंगे? बस 22 में किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? कैसा प्रत्याशी? तो साफ स्वच्छ छवि का होना चाहिए और काम करे पब्लिक के। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम हुआ है विकास का कुछ? कोई खास काम नहीं हुए, खास काम नहीं हुए, सड़कें और खुद और बार बार में 4-4 बार से सड़क खुद गई, बनी नहीं है एक बार ना। इनका कहना कि विकास कार्य नहीं हुए, सड़कें 4-4 बार खुद गई लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ जो होना चाहिए था पिछले 5 साल में। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं 5 सालों का विकास करेंगे? देखो, विकास तो हुआ है और चल भी रहा है अभी, और महंगाई की बात तो ऐसी है सर, समय के अनुसार तो महंगाई बढ़नी है, कम नहीं होनी, समय के अनुसार बढ़ेगी। ठीक है, आप अगले उनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या 5 साल में? सतीश चंद्र शर्मा।
सतीश जी क्या कहना चाहेंगे, 5 साल में कितना विकास कर रहे हैं? विकास तो है ना, थोड़े बहुत, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुए, विकास तो भय है। ये कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपके मन में जो 5 साल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ हो? नहीं सब भय, विकास तो भय साहब, खरंजा वरंजा हुए हैं गली में, सब काम है और है भी रहे। काम 5 सालों में क्या क्या काम हुए आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं? पहले एक बार राशन मिलते हो, अब 2 बार मिल लो, एक बार फ्री मिल लो, एक बार पैसे दे मिल लो, और का विकास चाहिए? महंगाई बढ़ रही है तो सस्ता फ्री में तो दे रहे हैं, ये क्या बात है? फ्री का सिस्टम ठीक है? हाँ, कछु कांग्रेस की बात ही है, वो कांग्रेस की बात करेंगे, बीजेपी नहीं। आम आदमी पार्टी जब आम आदमी पार्टी जब फ्री देती है दिल्ली में तो लोग को, हम तो लग रहा भाई गली ना बन रही है, ये कांग्रेस के राज थे, जब जहाँ पे वो लगा दो बीमा, अब तो दूसरा राज है कांग्रेस का चला गया, तो आप स्टे पर ही अभी कांग्रेस की, कांग्रेस ने लगा स्टे। हाँ। अच्छा आप बताएं, आप क्या मानते हैं विकास कार्यों के लेकर, क्या कैसी आओ आप क्या मानते हैं विकास कार्यों के लेकर? नहीं सर, विकास कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए, विकास कार्य हुए हैं। अब गली है, लोग बाग कहते हैं बनेगी, जब हम किसी के पास जाएंगे नहीं तो कैसे बन जाएगी? भाई सरकार जब भी बनाएगी, जब हम किसी के पास जाएंगे, जब नेता कभी नहीं आए यहाँ पर देखने के लिए? नहीं आए हैं, महापौर जी आए हैं, कई बार स्वागत भी हुआ है उनका, आरबंधु जी आए हुए हैं, कई बार स्वागत भी हुआ है, और उन्होंने कहा भी है, आश्वासन दिया भी है कि बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी, भाजपा सरकार में बनेगी, और जो भी कार्य हुआ है सड़क के सबके सारे काम होंगे, पर ये थोड़ा समय लगेगा, पर हमें इतना पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में पूर्ण बहुमत से आएंगे। 300 सरकार तो जाने वाली है, तो विकास कार्य अब तक क्यों नहीं है? नहीं नहीं, कौन कह रहा है आपसे सरकार जाने वाली है, नहीं जाएगी, सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कार्यकाल हो रहा है, और आएंगे अभी 2022 में सरकार बनेगी भाजपा की, ये पूर्ण बहुमत से बनेगी, फिर गली बनेगी फिर विकास और होगा। 5 साल में आपके क्षेत्र का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो? नहीं हुआ है सर जी, हमारा गांव तो लोहबन है, उसमें भी बहुत विकास हुआ है, सरकार ने भी किया है, हिंदुस्तान वालों ने भी किया है, सब ने किया है, तमाम विकास हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि विकास कार्य क्या हुआ है, कई लोगों ने कहा है, आप बोलेंगे दोबारा से क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्यों की बात करें तो ज्यादातर लोगों का यहाँ का ये मानना है कि विकास कार्य को लेकर के वो संतुष्ट हैं, सबसे ज्यादा लोगों पर जो कहना है वो ये है कि राशन को लेकर के जिस तरह से यहाँ योजना चली है वो काफी अच्छी है और उनको सहूलियत मिली है, लेकिन हालांकि भाई दूसरे लोगों ने ये कहा कि महंगाई को लेकर के सरकार कार्य नहीं कर पाई, कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो लोवन क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पाए, जिनको नेता देखते जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई विकास कार्य उनको नजर नहीं आता। आइए आप बताइए, आपको आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है? कुत्ता नहीं किया कोई, कुछ भी हुआ ही नहीं है आज तक, कोई विकास नहीं हुआ। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? कारब से हूँ, दाऊजी सेठ से हैं, अजीत अंजुम आए थे अभी। अजीत अंजुम जी आए थे? हाँ आए थे। कारण आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? विकास नाम का तो काम ही नहीं है, तो बलात्कार करते हैं। नहीं, विकास की बात करें कि सही सही शब्द बोलिए आप। मैं सही बोल, कोई विकास नहीं हुआ आपके नजर में? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, किसानों का सत्यानाश हो गया, किसान मर रहा है दिन और रात, इस बीजेपी को भगाओ, देश को बचाना है तो आपके नजर में कार्य नहीं हुआ। अच्छा आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? चाचा जयप्रकाश। कैसा विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा हाँ, मोदी को फिर आना चाहिए। अच्छा नहीं, योगी का चुनाव होने वाला है, राष्ट्र का चुनाव नहीं। हाँ तो योगी योगी विकास कार्य हो गया आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, सब गली पक्की है गई, लैट्रिन बन गई, मकान बने, बहुत कुछ हुआ, विकास हुआ खुद से। खूब ठीक है, सरकार आनी चाहिए। ये थे स्थानीय निवासी जिन्होंने अपनी बातें बताई कि विकास कार्य हुआ है, वही इन्होंने बताया कि कहीं कोई जो विकास कार्य नहीं हुए। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ, यमुना पार क्षेत्र लक्ष्मी नगर से रवि यादव।